ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। परिवार में धोखा, प्यार में धोखा, व्यापार में धोखा, या कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में हमें धोखा हमेशा मिलता रहता है। अगर ऐसे धोखे से आप बचना चाहते हैं और आपको अगर बीते हुए दिनों में ऐसा कोई धोखा हुआ है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को धोखा होता है तो धोखा उन्हीं लोगों के साथ होता है जो बहुत सरल है, बहुत सहज है, आँख बंद करके किसी पर विश्वास कर लेते हैं क्योंकि वो उतने सरल है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकते, तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति धोखेबाज नहीं होता है। पर ये वास्तविक सच नहीं है। जब भी किसी व्यक्ति को धोखा होता है या धोखे से संबंधित कोई भी चीज़ें अपनी लाइफ में क्रिएटेड होती है, मान लीजिए व्यापार से जुड़ी हो, मान लीजिए परिवार से जुड़ी हो, मान लीजिए अपने प्रेम प्रसंग में होकर देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है धोखे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है केतु। केतु की दशा, केतु का स्थान, केतु का प्लेस किसी भी व्यक्ति के धोखे और छल कपट के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, कई बार राहु की स्थिति भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर केतु की स्थिति बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो जो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, मतलब जल्दबाजी करते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा सावधान हो जाने की आवश्यकता है कि जल्दबाजी कहीं ना कहीं धोखे का संभावना होती है। केतु के जो नैसर्गिक स्वभाव है कि वो धोखा देते वक्त अगर कोई व्यक्ति देता है तो वो हमें कौन कौन से प्रभाव हमारे ऊपर डालता है जिससे हम केतु के उस पूरे माया जाल में फंस जाते हैं और हमें आसानी से धोखा हो जाता है। तो जल्दबाजी करना बहुत ज़्यादा दिक्कत दे विषय है। दूसरा है, अगर हम इस वैज्ञानिक तौर पर अगर देखें, प्रैक्टिकल तौर पर देखें, जैसे बिना कागजी कार्रवाई कोई भी चीज़ें करना, जैसे कोई फर्म खोला बिना पार्टनरशिप के, आपने कागजी कार्रवाई के पार्टनरशिप में, मौखिक पार्टनरशिप में खोल लिया, तो ऐसी चीज़ें होना, जल्दबाजी में, भावनात्मक वे में इतनी सारी चीज़ें होना, ये केतु का प्रभाव है। उस समय आपको विश्वास है, सब चीज़ें बेहतर लगेगी और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो सभी प्रभाव केतु का माया जाल है और आप एक समय आकर, एक जगह आकर वो आपको फंसा देता है। ऐसा कभी भी हमें नहीं करना है। तीसरा होता है बहुत ज़्यादा विश्वास करना, चीज़ों को वेरीफाई नहीं करना, बार बार अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके झूठ बोलने वाले व्यक्ति से दूरी बना कर रखें, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा है कहीं ना कहीं वो आपसे भी झूठ बोलेगा, अपने व्यापार में, अपने परिवार में, हर एक स्थिति में वो झूठ बोलकर हमारा दमन कर सकता है और हमारा कई सारा गलत उपयोग हो सकता है और हमें धोखा दे सकता है। तो ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी लाइफ से दूर रखें। चौथे, वो लोग जो नशा व्यसन, और उन्हें किसी भी व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान नहीं है, क्योंकि केतु का एक सबसे बड़ा स्वभाव, उसके पास संवेदनाएं, भावनाएं नहीं होती है, क्योंकि जो उसका प्रभाव है वो धड़ा है, गले से नीचे का जो पूरा शरीर है वो केतु का शरीर होता है। तो उसके पास भावनाएं, संवेदनाएं, इतनी सारी जो चीज़ें होती है, इनका बहुत अभाव होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर भावनात्मक वैसे किसी को नहीं देखता, किसी की संवेदनाओं को नहीं समझता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं ये जातक आने वाले समय में धोखा दे सकते हैं। हाँ, कुछ रेयर केस में किसी के प्रति कुछ पुराना कुछ चीज़ें होकर उनके प्रति संवेदना न होना एक अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल वे में जीव जंतु, पशु पक्षी, एक नॉर्मल जो मानवता होती है, जो हर एक व्यक्ति में होती है, अगर उस तरह के प्रभाव भी उसमें नहीं है, संवेदनाएँ नहीं हैं, तो समझ जाएगा कि केतु का जो प्रभाव है वो आपको परेशान कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी, इन बातों को अगर आप अपनी लाइफ में समझेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो आपकी बहुत मदद होगी और आप जो धोखा, छल कपट, इनसे बाहर आ पाएंगे।